एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। इसी दौरान सीएम ने नदी में तैराकी भी दिखाई। मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा, जब भी दुनिया में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, उनका किसी न किसी तरह से उज्जैन से संबंध जरूर रहा है। मैंने आज माँ शिप्रा में पवित्र डुबकी लगाई। कल से पंचकोशी परिक्रमा शुरू किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी आस्था और विश्वास लेकर आएंगे। बता दें, इससे पहले बुधवार को सीएम यादव ने राज्य कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि उन्हें दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष राज्य में ओबीसी सीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोहन यादव ने कहा था कि मुझे दुख है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जीतू पटवारी लगातार निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग अपने उम्मीदवार नहीं बचा सके, वे दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करना बंद करेंगे। बता दें कि सीएम यादव ने यह टिप्पणी जीतू पटवारी के बयान के मद्देनजर की थी। मुख्यमंत्री जी, कृपा करके आप चुल्लू भर पानी में डूब मरे। शिप्रा का पावन तट भगवान के सारे देवी देवता माँ शिप्रा के किनारे हैं और ये ऐसा माना जाता है कि माँ शिप्रा के कारण ही वो यहाँ अपना धाम बनाए हुए। बाबा महाकाल की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वाधिक महत्व के ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी, जहाँ पर हर किसी की मन की मुराद पूरी होती है और दुनिया के बड़े से बड़े परिवर्तन जब कभी हुए हैं तो उज्जैन से उनका संबंध जरूर आता है। ऐसे पतित पावनी उज्जैनी में पवित्र माँ शिप्रा के किनारे आकर स्नान किया और हमको मालूम आज के बाद कल से यहाँ पंचकोसी की बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होगी और उस बड़ी परिक्रमा में लोग आस्था से श्रद्धा से आते हैं तो सबका मन का विश्वास बना रहे उज्जैन के अंदर। हमारी सरकारों द्वारा जो किए गए काम, उन कामों के बलबूते पर उज्जैन में जो पूरे साल नदी का जल मिल रहा है, मुझे इस बात का संतोष है।